ओके हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग हेलो सर। सर। गुड इवनिंग सर। स्मिथ मैं अच्छा वॉइस क्लियर है ना? कुछ हाँ सर, क्लियर है। लैग वगैरह तो नहीं आ रहा है? नो सर, अभी तक नहीं आ रहा है। एक्चुअली यार थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू चल रहा है काफी। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम आती है तो बताना। ठीक है, ओके। सो काफी लोग आ गए हैं। लास्ट टर्म पे लॉगरिथमिक शीट का डिस्कशन भी कंप्लीट हो गया था, कुछ ही क्वेश्चंस रिमेनिंग है तो वो तो बाकी। हाँ, बाकी लास्ट टर्म पे स्टार्ट किया था न्यू चैप्टर सर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक कोई डाउट है किसी को बोलो। नो सर, नो अमे, अमितराज, अंजलि, अंकित, अर्णव, अर्यन, अथर्व, ईशा, जयराज, कार्तिक, केदार, प्रणव, प्रसन्न, पृथ्वीराज, ऋषिकेश, सत्यजीत, शुभांकर, स्मित, वर्धन, आर्या एंड अनूप। लास्ट लेक्चर तक कोई भी डाउट? लास्ट लेक्चर में बेसिकली परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना सीख रहे थे हम लोग, है ना? कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही एक पार्ट है ये, कंप्लीटिंग स्क्वायर का एप्लीकेशन ऑन नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट किया था सर्ट्स। डेफिनेशन वगैरह ऑलरेडी हो गया है। ए टू द पावर वन अपॉन एन, इस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं इरेशनल, मतलब ये इरेशनल्स का आउटपुट आना चाहिए और फिर आप इसको बोलते हो सर्ट। कंडीशन इज, ये जो बेस है ना, बेस दिस शुड बी रैशनल। रेशनल और इसके ऊपर जो पावर है दिस ऑल्सो रेशनल। जैसे पाई इरेशनल होता है, रूट पाई इज ऑल्सो इरेशनल। इरेशनल। इरेशनल, बट रूट पाई को आप सर्ड बोलोगे क्या? नहीं बोलो। हाँ, इशू क्या है? इशू ये है कि दिस शुड बी रेशनल फॉर सर्ड, बट पाई रेशनल तो होता नहीं तो ये सर्ड नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन इज ऑल सर्ड्स आर इरेशनल बट ऑल इरेशनल नंबर्स विल नॉट बी शर्ट्स। सर्ड्स, लाइक रूट पाई, रूट ई। इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस लास्ट टर्म पे सॉल्व हो गए थे, परफेक्ट स्क्वायर रिलेटेड क्वेश्चन हो गए थे लास्ट टर्म पे। अब स्टार्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया था इसमें कोई डाउट है? सर, इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं, काम करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को था इसमें डाउट, ये फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सो क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन और फिर स्क्वायर रूट। बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट वी विल थिंक अबाउट कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, सो दिस पार्ट इज लाइक टू। सर आपकी सर आवाज, आपको वॉइस नहीं आ रहा है। और आपका वीडियो भी ठीक है। दिस पार्ट इज लाइक टू ए बी। ठीक है, और दिस एक्स स्क्वायर को वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यस और नो? सो नाउ दिस इज लाइक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टू ए, एंड दिस पार्ट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस वन एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स, दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? इस स्टेटमेंट में एक मिस्टेक है, सो दिस स्टेटमेंट है फॉल्स। एक्चुअल में क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, और फिर आप मॉड एक्स को ओपन करते हो बाई नेचर ऑफ एक्स। सपोज करो एक्स पॉजिटिव है तो मॉड ओपन एज इट इज, और सपोज करो इनपुट है नेगेटिव देन ओपन विद नेगेटिव नेगेटिव साइन। माइनस साइन, बिल्कुल, तो ये हो गया अभी मॉडुलस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड देन माइनस वन। ठीक है, और फिर आप इसको एक्स के नेचर के अकॉर्डिंग इसको ओपन करोगे। अभी मेरे को आप ये बताओ, दिस एक्सप्रेशन पॉजिटिव इफ एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट शुड बी ग्रेटर देन वन वन,
यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन वन वन यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन टू यानी एक्स ग्रेटर देन रूट टू. तो लेट से एक्स ग्रेटर देन है रूट टू, देन दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन वन, यानी ये वैल्यू देन ओपन एज इट इज. ठीक है, और सपोज करो एक्स है लेस देन रूट टू, देन दिस एक्सप्रेशन इज लेस देन वन, यानी ये एक्सप्रेशन हो गया निगेटिव. एंड इफ मोड के अंदर निगेटिव देन ओपन विथ निगेटिव साइन माइनस निगेटिव साइन, और ये बन गया वन माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन. ठीक है, तो यहां पे लास्ट टर्म तक कंप्लीट हो गया था. डन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दिस वाज टाइप वन रिलेटेड टू क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्क्वायर्स. अभी है टाइप टू. टाइप टू में वही क्वेश्चंस जो काफी लोगों को प्रॉब्लमेटिक बना हुआ था, लाइक एग्जांपल है दिस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस फिर स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस. एक बार आज नेट का इशू हो सकता है ना, तो ऐसा कुछ इशू आप लोगों को लग रहा है तो बोल देना. ठीक है, सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस, और इसके अंदर है इनफिनिटी टर्म्स. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी कि x. सो बेसिकली आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू डिटरमाइन करना है. करो ट्राई. X is equal to square root of 2 plus square root of 2 plus square root of 2 plus and so on. ठीक है, double answers नहीं आ सकते बेटा, यहाँ पे square root है and square roots are always positive. और वैसे भी देखो यहाँ पे हर जगह पे plus sign है. positive numbers को आप add करते हो या positive numbers का calculation करते हो तो कभी negative answer आ सकता है क्या? नहीं. हाँ, तो answer must be positive. फाइनली आपको कितने भी सॉल्यूशन बट आप पॉजिटिव वाले को एक्सेप्ट करोगे जस्ट. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. सो एक्स इज इक्वल टू स्मिथ, तुम एक्सप्लेन करो. कार्तिक एक्सप्लेन करोगे क्वेश्चन ये? सर वो जो सेकंड स्क्वायर रूट के आगे के सारे टर्म्स हैं उन्हें हम एक्स करके कंसीडर कर सकते हैं. और फिर प्लस साइन. तो सपोज करो आप इस एक्सप्रेशन को रिमूव भी करते हो. सो अभी जो एक्सप्रेशन है ना, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू एक्जेक्टली सिमिलर टू प्रीवियस एक्सप्रेशन. यस और नो? यस. ठीक है, मतलब पहले वाला एक्सप्रेशन x था तो ये एक्सप्रेशन भी अभी x ही है, बस इतना ही सॉल्व करना होता है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन था दिस, अभी ये हो गया x is equal to 2 plus a square root of 2 plus x. This expression is also x. Exactly. Now squaring both sides, again आपको पहले बताया था स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं. स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी आ जाते हैं, तो क्रॉस चेक मस्ट है यहाँ पे. ठीक है, यूजिंग ट्रांसपोजिशन टेक ऑन द लेफ्ट साइड, ये बन गया अभी x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 0. मिडिल टर्म स्प्लिट और फैक्टर्स यानी x माइनस 2 इनटू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 0. आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. दिस 0 करते हो तो x इज इक्वल टू 2 और दिस 0 करोगे देन x इज इक्वल टू
माइनस वन, बट स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस वन पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल है क्या? एक्स इज इक्वल टू टू. एक्स इज इक्वल टू टू. देखो यार, हाँ. यही इशू होता है. देखो वन इज इक्वल टू माइनस वन कभी होता है क्या? नहीं. बट आप स्क्वायर करते हो ना, स्क्वायर करते हो तो ये दोनों लोग सेम हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आता है कि यार कभी भी आप स्क्वायर करते हो ना तो कुछ अनइक्वल चीजें भी इक्वल हो जाती हैं. डन. जैसे टू और माइनस टू सेम नहीं होते, बट स्क्वायर करते हो तो सेम हो जाते हैं. करेक्ट है? Yes, sir. तो कभी भी ऐसे स्क्वायर वगैरह करते हो तो वहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहना होता है, हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है. और क्रॉस चेक यहाँ पे जस्ट इतना सा था कि बिकॉज ऑफ स्क्वायर रूट्स आंसर शुड बी पॉजिटिव, यानी फाइनल आंसर इज ओनली एक्स इज इक्वल टू टू. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये. काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्लाई करो. Again, x is equal to square root of 6 plus x. x. Squaring both sides, x square is equal to 6 plus x. Using transposition, take on the left side. और ये बन गया अभी x square minus x minus 6 is equal to 0. Middle term में split और factors. Factors क्या बनने वाले? x minus 3 x. x minus 3 और x plus 2 x plus is equal to 0. So either x is equal to 3 or x is equal to minus 2. Again, negative 2 possible नहीं है because of square root. Only answer will be x is equal to plus 3. Correct. Next, ये solve. स्क्वायर रूट ऑफ 5 इनटू x इन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x और x कैंसिल. फाइनल आंसर x इज इक्वल टू 5. सिंपल, बिल्कुल सिंपल. करेक्ट है? यस सर. नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है दिस. x इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस फिर 1 अपॉन 2 प्लस फिर 1 अपॉन 2 प्लस फिर 1 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन. ये एक्सप्रेशन आपको डिटरमाइन करना. करो ट्राई. x is equal to 2 plus फिर 1 upon 2 plus फिर 1 upon 2 plus and so on. Infinity terms. बेटा one answer possible नहीं है. तुम ये बताओ this number क्या लगता है, ये positive है negative है? Positive. डेफिनेटली पॉजिटिव है ना, क्योंकि वहां पे कोई नेगेटिव साइन ही नहीं है. तो आप 2 में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो आंसर 1 हो सकता है क्या? नहीं. तो डेफिनेटली आंसर विल बी ग्रेटर देन
हाँ ये तो कंफर्म है कि आंसर ग्रेटर देन टू ही आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सो x इज इक्वल टू टू प्लस नेक्स्ट बोलो वन बाय x वन अपॉन x एक्जेक्टली। अगेन ये आप पोर्शन ऑब्जर्व करते हो ना तो ये भी टू वन अपॉन टू प्लस एंड सो ऑन। ठीक है LCM है x और ये बन गया अभी 2x प्लस 1 और यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। रॉन्ग है यार आप लोगों का आंसर, चेक करो ठीक से। हेलो सर इक्वेशन माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा यार, मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या? नहीं सर, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो हाँ तो इसमें फॉर्मूला यूज करोगे, हियर ए इज इक्वल टू वन, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स व्हिच इज माइनस टू एंड सी इज कांस्टेंट टर्म व्हिच इज माइनस वन सी माइनस वन और फॉर्मूला होता है क्या एक्स इज इक्वल टू आयुष बोलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए। हाँ अभी यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी एक्सप्रेशन बोलो सर टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फोर माइनस फोर ए और सी सी नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव यानी फोर प्लस फोर एट एंड स्क्वायर रूट ऑफ एट टू इंटू वन यानी कि टू और ये हो गया अभी वन प्लस रूट टू और वन माइनस रूट टू अगेन स्क्वायर रूट्स सॉरी स्क्वायर रूट्स नहीं स्क्वायर रूट नहीं है इसके अंदर, इसमें जितने भी नंबर्स हैं सारे पॉजिटिव ही हैं तो डेफिनेटली आंसर कैन नॉट बी लेस देन टू या फिर नेगेटिव। तो वन माइनस रूट टू पॉसिबल है क्या? नहीं, पॉसिबल आंसर है एक्स इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन root 2 is almost 1 point 414 plus 1 any 2 point 414 so final answer hai almost 2.414 kafi acha question tha aur easy question tha batao discuss karna hai fir se aise to yaar bahut sare questions dekhne ko milenge aapko alag alag format mein theek hai ek question aise isme bhi tha measure sheet aur minor sheet dono mein tha logarithm mein ye bhi solve kar lete hain abhi क्वेश्चन है दिस ये क्वेश्चन ट्राई कर लो एक्सरसाइज 3 में है क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास में लेकिन कर लेते हैं फिर से दिस क्वेश्चन एक सेकेंड क्वेश्चन नंबर 4 द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हर्षवर्धन यार ये अपना माइक ऑफ कर लो यार ना, इधर से हो नहीं रहा तुम्हारा, लेकिन कर लो अपना। सिक्स प्लस लॉग बेस है थ्री अपॉन टू एंड नंबर इज वन अपॉन थ्री रूट टू और फिर यहाँ पे काफी सारे टर्म्स हैं अगेन स्क्वायर रूट और ये है फोर माइनस वन अपॉन
थ्री रूट टू और फिर से स्क्वायर रूट फोर माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू एंड सो ऑन इनफिनिटी टर्म्स। ये क्वेश्चन है। देखो 11, 12 में ऐसे नहीं आता कि केवल इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करो, है ना, ऐसे नहीं होता है, वो किसी और क्वेश्चन के साथ मिक्स में है। स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स से स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 और फिर दोबारा से स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 फिर दोबारा से स्क्वायर रूट 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इक्वल्स टू x। हाँ, व्हाट शुड बी द जस्ट नेक्स्ट स्टेप? उसको x कंसीडर करेंगे। 4 माइनस 1 अपॉन 3 रूट 2 और फिर क्या? मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू x। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्क्वायर रूट है ना, जैसे तुम ये समझने का ट्राई करो, लाइक 4 माइनस 2 इंटू 1 और एक ये है, क्या दोनों के आंसर अभी तो सेम ही है, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन होता लाइक दिस क्वेश्चन आंसर आपको डिफरेंस? हाँ सर। ओके, करो ट्राई करो, करो ट्राई करो। ओके, नेक्स्ट स्टेप 4 माइनस एक्स अपॉन 3 रूट 2 इज इक्वल टू एक्स यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड। तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 3 रूट 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट है, 3 रूट 2 मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया अभी 3 रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 रूट 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हियर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 3 रूट 2, बी यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स व्हिच इज 1, सी यानी कांस्टेंट टर्म और ये है माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू कितना आ रहा है सर? और 289 आ रहा है। ठीक है, बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 ए सी माइनस माइनस प्लस 4 3 रूट 2 1 और 12 रूट 2, तो ये मल्टीप्लाई करते हो ना तो ये आता है 288 प्लस 1 यानी 289 और 289 का स्क्वायर 17 ऑन 2a यानी कितना 6 रूट 2।
करेक्ट है, ठीक है। सो एक बार यूज करते हैं प्लस साइन, सेकंड माइनस साइन, प्लस आप यूज करते हो तो एक्सप्रेशन है 16 अपॉन 6 रूट 2, और माइनस यूज करते हो देन माइनस 18 अपॉन 6 रूट 2। डेफिनेटली स्क्वायर रूट्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो ये हो गया अभी 3 और ये है 8, यानी 8 अपॉन 3 रूट 2, 3 रूट 2 करेक्ट है, ठीक है। और 8 अपॉन 3 रूट 2 ये पुट करो यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के प्लेस पे, ठीक है। तो 8 अपॉन इसको थोड़ा देख लो अच्छे से, ये है 8 अपॉन 3 रूट 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना आ रहा है 1 अपॉन 3 रूट 2 इंटू 8 अपॉन 3 रूट 2, हाँ ठीक। रूट 2 इंटू रूट 2 2 और कैंसिल यानी कि 4, यानी 4 अपॉन नहीं अभी 3 अपॉन 2, इसके ऊपर कितना पावर अप्लाई करोगे टू गेट 4 अपॉन 9 तो ये देखो सेकेंड टाइप था, यहाँ पे नंबर्स क्या रिपीट होते हैं, ठीक है। इसके थर्ड टाइप आया एग्जाम्पल, चलो इसको लिख ही लेते हैं ना, काफी सिंपल सा कंसेप्ट है एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रेशनलाइजेशन। ये पढ़ा होगा सभी लोगों ने टू टेंथ क्लास, यस सर, ठीक है। इसमें कर लेते हैं क्वेश्चन, लाइक एग्जाम्पल है काफी सिंपल और एग्जाम्पल है दिस, 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1, 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, 1 अपॉन रूट 4 प्लस रूट 3 यानी 2 प्लस रूट 3 एंड फाइनल टर्म है इसमें अंडर रूट ऑफ 100, अंडर रूट ऑफ 100 लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, लिख सकते हैं 10 प्लस रूट 99। बेसिकली रेशनलाइजेशन क्या होता है, सिंपलीफाई करना। एक पॉइंट और तुम खुद सोच के बताओ, जैसे एक टर्म तो है ये 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 और एक टर्म है ये रूट 2 प्लस 1, इन दोनों में कन्वीनियंट एक्सप्रेशन कौन सा है? सेकंड, सेकंड वाला। चीजें जनरली क्या होती है, डिनोमिनेटर में फेवरेबल नहीं होती है, सो डिनोमिनेटर वाले टर्म को आप लेके आते हो न्यूमरेटर में यूजिंग रेशनलाइजेशन। और इसमें करते क्या है ना, विद अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर का मतलब ये हो गया, जैसे ये है प्लस तो आप मल्टीप्लाई करोगे विद माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। नाउ न्यूमरेटर है रूट टू माइनस वन एंड डिनोमिनेटर इज लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट टू स्क्वायर इज टू, वन स्क्वायर इज वन, टू माइनस वन यानी रूट टू माइनस वन। ऐसे ही सेकेंड टर्म, ये टर्म इसको रेशनलाइज करोगे तो कितना आएगा बोलो, रूट थ्री माइनस रूट टू, थ्री माइनस रूट टू, टेन रेशनलाइज करो यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड विद टू माइनस रूट थ्री, तो ये बनेगा रूट फोर माइनस रूट थ्री, और फाइनली इसको रेशनलाइज करोगे है ना, ये एक्चुअली टेन इज रूट हंड्रेड प्लस रूट 99, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद रूट हंड्रेड माइनस रूट 99, ठीक है। तो न्यूमरेटर कितना आने वाला है, रूट रूट माइनस रूट 99 एंड डिनोमिनेटर इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 100 माइनस 99 यानी 1, तो 1 डिवाइड करने पे कोई चेंज नहीं आता, ये हो गया सारा कुछ कैंसिल और फाइनली रिमेनिंग है रूट 100 विच इज 10 और माइनस 1 यानी आंसर करेक्ट है, डन। दो शीट सेंड किए थे आपको, दोनों कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इतना ही होता है सेट्स में, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कर रहे हैं हम लोग, और भी करें, जैसे कि एग्जांपल ये सॉल्व कर लो, 1 प्लस 4 रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 2 माइनस 30 अपॉन 4 रूट 3 माइनस रूट 18 और माइनस रूट 18 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 3, ये क्वेश्चन है।
डिनोमिनेटर टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू स्क्वायर फोर माइनस रूट टू यानी कि टू, तो डिनोमिनेटर है अभी टू और ये यहाँ पे कैंसिल टू टाइम्स, क्लियर? यस सर। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अभी इजी है ये तो काफी ज्यादा। टू रूट थ्री इंटू टू यानी फोर रूट थ्री, रूट थ्री एंड टू रूट थ्री इंटू रूट टू, टू रूट थ्री इंटू टू रूट सिक्स, सिक्स करेक्ट है। यहाँ पे सेकेंड दिस डिनोमिनेटर 30 और यहाँ पे डिनोमिनेटर माइनस माइनस थ्री, थ्री स्क्वायर नाइन, टू रूट थ्री स्क्वायर ट्वेल्व, नाइन माइनस ट्वेल्व यानी माइनस थ्री, रूट एटीन होता है कितना, थ्री रूट टू और थ्री माइनस टू रूट थ्री, दिस एंड दिस कैंसिल, माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया माइनस थ्री रूट टू और माइनस माइनस प्लस टू रूट सिक्स, ये टर्म्स मिल गए अभी आपको ना। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या गिवन है। ठीक है, सो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म है पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, ये टर्म करो मैं इसका ना नेगेटिव, और नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हो देन साइन चेंज, तो ये हो गया अभी वन प्लस फोर रूट थ्री प्लस टू रूट सिक्स माइनस फोर रूट थ्री माइनस थ्री रूट टू, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस थ्री रूट टू माइनस टू रूट सिक्स, प्लस टू रूट सिक्स माइनस टू रूट सिक्स कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, फाइनल आंसर जस्ट वन। फाइनल आंसर इज वन। ठीक है, तो एक पैटर्न होता है रेशनलाइजेशन का, आप शीट में क्वेश्चन सॉल्व करना वहीं पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है स्कोर पढ़ाने का रिक्वायरमेंट है, है क्या इसको ऐसा, और टीचिंग का रिक्वायरमेंट इसमें? नो सर, बस इसको रेशनलाइज ही कर देते हैं। इसमें क्वेश्चंस है बहुत सारे, दो शीट्स आपको सेंड किए थे, दोनों को अच्छे से ट्राई करो, डिस्कस सारे क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 4 पे आते हैं, सॉरी हां टाइप 4 पे आते हैं। टाइप 4 में है लाइक दिस क्वेश्चन, x = 3 + 3 टू द पावर 1 / 3 + 3 टू द पावर 2 / 3, देन फाइंड द value of the expression this x cube minus 9x square plus 18x, ये classic question है। x is equal to 3 plus this is cube root of 3, ये ऐसे भी आ जाता है कई बार, समझ रहे हो ना? Yes sir. And this is cube root of 9. Like 3 to the power 2 upon 3 can be written as 3 square and bracket 1 upon 3. ठीक है, अब ये पॉइंट समझने का ट्राई करते हैं ना। देखो जैसे सपोज करो ये क्वेश्चन होता लाइक दिस कि 3 प्लस क्यूब रूट ऑफ 64, तो इस क्वेश्चन में कोई इश्यू नहीं है क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 64 पता होता है हमें कितना, 4, तो x है एक्चुअल में 7 और 7 वैल्यू आप यहाँ पे करोगे सब्स्टिट्यूट, इजीली इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे। प्रॉब्लम ये है कि 3 का क्यूब रूट पता होता है क्या? नहीं, तो पता करने का ट्राई भी नहीं करना आपको, आप एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो, तो एक्सप्रेशन में है x 3 क्यूब यानी क्यूब करना है, बट प्रॉब्लम इज a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, ये फॉर्मूला पता होता है क्या हमें? नहीं सर, नहीं पता होता है, आइदर वी नो a प्लस बी होल क्यूब और वी नो a माइनस बी होल क्यूब, हाँ, तो बेसिकली टू टर्म्स तक लिमिटेशन है हमारे पास में, तो कोई इशू नहीं है, टू टर्म्स हम लोग क्रिएट कर लेंगे यूजिंग 3 टेक ऑन द लेफ्ट साइड। a प्लस बी होल क्यूब बताओ पहले क्या होता है,
यहां पे प्लस के प्लेस पे आप यूज करो माइनस साइन, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस हाँ ए माइनस बी करो, ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो। x माइनस थ्री होल क्यूब ऑन द राइट साइड थ्री टू द पावर वन अपॉन थ्री प्लस थ्री टू द पावर टू अपॉन थ्री होल क्यूब लेफ्ट साइड एक्सप्रेशन कौन एक्सप्लेन करने वाला है? आपको जस्ट ये फॉर्मूला यूज करना है, a माइनस बी होल क्यूब। हाँ कार्तिक बोलो। x क्यूब माइनस 27 माइनस 27 माइनस माइनस 9x 3ab 3x3 यानी 9x इनटू x माइनस 2 करेक्ट है। राइट साइड बोलो। राइट साइड में 3 दिस क्यूब यानी 3 प्लस दिस क्यूब यानी 9 प्लस 3ab 3ab into a plus b ठीक है। और ये जो टर्म है ना बेटा, ये टर्म दिस टर्म इज सेम एज x माइनस x दिस इज लाइक a टू द पावर m into a टू द पावर n यानी a टू द पावर m प्लस n यानी 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 1 अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3 करेक्ट है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन वगैरह आपको फाइनली फाइंड करना है दिस एक्सप्रेशन। दिस माइनस 27 दिस माइनस 27 कैंसिल, बिल्कुल। तो एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और ट्रांसपोजिशन टेक दिस ऑन द लेफ्ट साइड यानी 18x और राइट साइड में रिमेनिंग है जस्ट 12। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया? 12। यही होता है, मतलब आपने क्यूब रूट ऑफ 3 फाइंड करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, बस क्यूब करते ही थोड़ा सा सॉल्व करके और एज इट इज ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है। करेक्ट है? यस। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नो सर, नो डाउट सर। हां बोलो सर। अगर हमने स्टार्टिंग में 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 प्लस 3 टू द पावर 2 अपॉन 3 को ऐड किया होगा तो इन दोनों को ऐड करोगे और 3 3 प्लस 3 सब्सटिट्यूट करेंगे ऐसा ऐड हो जाता है क्या? नो सर सॉरी। अच्छा ये बताओ 4 स्क्वायर प्लस 4 टू द पावर 1 ये 4 टू द पावर 3 होता है क्या? नहीं नहीं, बट प्लस के प्लस को होता है मल्टीप्लाई देन तो ऐड होता है, तो ऐड हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये ट्राई करो। x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 क्यूब रूट प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 क्यूब रूट
determine the value of the expression x cube minus 3x. ये क्वेश्चन. ये सब बहुत स्पेशल चैप्टर्स नहीं होते हैं, है ना, ये कम्प्लीटली बेसिक्स चल रहा है हमारा. ये जो फाउंडेशन लेवल सीखते हैं हम लोग, वही सब चल रहे हैं. सर्ट्स में बेसिकली स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग. इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 3 क्यूब रूट प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 क्यूब रूट एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एक्स क्यूब माइनस 3x. Okay, so who will explain this question? Bolo. Hello, sir. This complete term can be considered as, let's say, so consider कर लो आप small a and this term is small b. तो ये है अभी x equal to a plus b. And we have to find out x cube जैसा कुछ यहाँ पे, यानी cube both sides. अभी दो term ही है तो cube कर दो, कोई issue नहीं है. X cube is equal to a cube. A cube यानी this cube, और this cube करोगे तो cube root cancel, यानी 7 plus 4 root. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. हाँ, so x cube is equal to a cube यानी 7 plus 4 root 3 plus b cube यानी again 7 plus 7 minus 4 root 7 minus 4 root 3 plus 3ab, इन दोनों का multiplication. अब एक बार मेरे को ये बताओ, जैसे p to the power 1 upon 3 into q to the power 1 upon 3, this can be written as pq to the power 1 upon 3, यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, देन पावर 1 upon 3. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लाइक a plus b minus b, a square minus b square, 49 minus 40. 48. 7 square is 49, 4 root 3 square is 16 into 3, यानी 48. कितना 1. 3 ab, और 1 का रूट भी कितना होता है? 1. 3ab in bracket a plus b and a plus b can be written as बिल्कुल x. ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, रिमेनिंग है अभी x cube is equal to 14 plus left side, और फाइनल आंसर है x cube minus 3x is equal to 14. करेक्ट? यस. यहाँ पे हो जाता है सेट्स कंप्लीट. इतना ही होता है सेट्स में. क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे रहेंगे, जैसे हम लोग आगे मूव करेंगे सिलेबस में 11, 12, तो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस. बस ऐसे ही डील करना होता है. स्क्वायर रूट्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्क्वायर वगैरह कंसीडर करते हो. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे क्यूब वगैरह करते हो. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे रेशनलाइजेशन वगैरह कर देते हैं.
कुछ ऐसे होते हैं यहाँ पे नंबर रिपीट होते हैं तो उनको एक्स वगैरह कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं. डन? यस ठीक है, आज इतना ही करते हैं. वर्क है आपको सेट्स का शीट 1 और शीट 2 बोथ कंप्लीट. ठीक है, कंप्लीट करके रखो, कल डिस्कशन करेंगे. और नेक्स्ट वीक जो टेस्ट होगा उसका सिलेबस सेट्स कंप्लीट, इसके अलावा जो नेक्स्ट वीक में हम लोग कवर करेंगे वो. डन? हाँ, ओके. चलो यार ना, आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं. नेक्स्ट टाइम नहीं, कल करते हैं. ओके ओके सर्स, में अभी हो गया टॉपिक क्या और होने वाला है? मतलब क्या बोल रहे हो आप? सिर्फ अभी डिस्कशन लेने वाले हैं ना सर्स का? हाँ यार, डिस्कशन में तुम देखना, तुम्हें काफी सारे क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे डिस्कशन में. सो डिस्कशन मोस्ट ऑफ द जो पार्ट रहेगा वो उसका टीचिंग वाला ही रहेगा, समझ रहे हो? हाँ सर, पिक करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे चीजें. यस सर. बाकी कंप्लीट करके रखो तुम अपने लेवल पे पूरा. एक्सक्यूज मी सर, उतना ट्राई कर. हाँ बोलो सर. वो आपने कल वाला लास्ट क्वेश्चन करवाया था, वो फिर से जरा समझाएंगे क्या? लास्ट वाला कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, ये कल वाला. ओके, ये क्वेश्चन बोल रहे हो क्या तुम? ये क्वेश्चन? हाँ सर, वो वाला. यस सर, ये वाला. बट आज स्टार्टिंग में भी यही क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था अभी फिर से, है ना? देखो, ये 2ab, 2 स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और 1. हाँ. And this can be written as this square plus this square. Okay sir. So this is like a square plus b square minus 2ab. Yes sir. यानी a minus b whole square. हाँ, okay. X square under root is not equal to x. This is actually mod of x. यानी mod of this. Mod open होगा by its nature. Let's say ये expression positive तो open as it is. And if this expression is negative, then open with negative sign. हाँ, negative. बस तो ये positive होता है 4x greater than root 2 और negative होता है 4x less than root 2. Root 2. बस ये open हो गया. चलो ओके, फिर कल करते हैं, है ना? आप कंप्लीट करके रखो दोनों शीट्स, डिस्कस करेंगे. ओके बेटे. Okay sir, thank you sir, bye. Thank you sir, bye sir. Yes sir, thank you.